Hi everyone, hello and welcome to a very special episode of Middays Meteor Icon, wherein we bring young sporting enthusiasts face to face with their sporting heroes. Today's hero is India's Olympic silver medal winning wrestler, Ravi Dahiya. Hello Ravi, welcome to the show. Ravi holds the distinction of being only the second Indian wrestler ever to win a silver at the Olympics. Thank you for joining us, Ravi. Thank you. We also have from the midday team, Clayton Murzello, our group sports editor, Harit Joshi, Subodh Mayure, and Sundari Iyer. And we have four very special guests, Ronnie D'Souza, Amit Gadkari, and two young wrestlers in Pradyuman Yadav and Om Prakash Pandey. They are under 18 and under 19 wrestlers. Ravi bhai, mera pehla sawal rahega. आपका जो टोक्यो गेम्स का सेमीफाइनल बाउट था विद नूरिस्लाम सनायव, क्या वो आपके लाइफ का सबसे एक्साइटिंग बाउट था? सर देखो, अच्छी बाउट थी वो, और ये लाइफ का तो मैं नहीं कह सकता, पर काफी अच्छा बाउट था, क्योंकि ना एक वो एक सेमीफाइनल बाउट था और देश के ओलंपिक्स गेम्स में अब फाइनल में आप पहुंचते हो तो काफी अच्छा होता है, पर इतना ज्यादा भी नहीं था क्योंकि मेरा टर्न मैं थोड़ा बड़ा था कि मैं ये सोच गया था कि शायद देश के लिए गोल्ड जीतूं, तो सर काफी एक्साइटेड था, पर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ क्योंकि जब क्वालिफाई किया था मैंने तो शायद वो ज्यादा था। काफी ड्रामेटिक बाउट था, उन्होंने आपको काटा भी। वो क्या वो नॉर्मली होता है बाउट्स में कि ये कुछ अजीब सा बिहेवियर था उनका? देखो ऐसा होता तो नहीं है, पर कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि देखो इतना बड़ा मंच था और उस मंच पे थोड़ा सा आदमी सब जीतने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, पर ऐसा होता नहीं कभी। रवि जी, आप इंडिया के लंबे रेसलर्स में से हैं, जहाँ अगर आप देखेंगे तो बजरंग भाई या फिर योगी या फिर सुशील, इनका हाइट 5'5" के आसपास है, आप 5'7" हैं। क्या ये हाइट एडवांटेज है क्योंकि आपकी रीच बढ़ती है, या इससे झुकने में दिक्कत होती है? सर इसमें ना देखो, आपको एक चीज का बेनिफिट है तो ये उसका थोड़ा नुकसान भी है। हाइट है लंबी तो उसमें काफी बेनिफिट होता है क्योंकि अटैक, अब जब हम अगले खिलाड़ी के साथ लेग अटैक करते हैं तो आसानी होती है जाने में, पर सबसे जब मुश्किल बात आए तो मुश्किल ये होती है कि आपको वेट ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है। पहले तो ये था कि एक टाइम वेट चेक हो जाता है एक दिन, अब तो दो दो दिन दिखाना पड़ता है, तो अगले दिन भी कई किलो कई के जी जो वेट होता है तो वो करना पड़ता है, तो एक चीज का बेनिफिट है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। हाय रवि भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि सोनेपत में ऐसी क्या खास बात है कि वहां से इतने रेसलिंग चैंपियंस आते हैं? आप थोड़ा सा बता सकते हैं सोनेपत का कनेक्शन रेसलिंग के साथ? देखो सोनीपत का नहीं, जो नॉर्थ इंडिया है ये यहाँ से ही ज्यादातर निकलते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे जो एक ये मानो कि एक जो जनरेशन है वो काफी मेहनती है, यहाँ के आदमी है जो काफी खेती बाड़ी जिसमें ज्यादा यकीन करते हैं, तो खेती में बहुत ज्यादा मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो ये एक जीन्स होता है शायद, मैं मानता हूँ कि उन खाना पीना थोड़ा अच्छा है। और अदर स्टेट से देखोगे तो नॉर्थ में आप देखो सोनीपत और जो दिल्ली के आसपास इलाका, तो उसका खाना पीना काफी अच्छा होता है, दूध दही में ज्यादा यकीन करते हैं स्टार्टिंग से ही। एक सोच सी बात होती है कि सोच भी पहले से एक सोच थोड़ी बदल गई है वहाँ के लोगों की कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सुशील कुमार ने मेडल जीता, उसके बाद दूसरा वो भी वो दिल्ली के थे पर शायद हरियाणा, मतलब बिल्कुल टच था, एनसीआर इलाका था वो, और काफी सारे हैं जो मतलब बिल्कुल पास पास से हैं, तो उनके आपस में एक दूसरे को देख सोच सबसे ज्यादा चेंजिंग हुई है, और सब भी काफी अच्छा कर रहे हैं, पर रेसलिंग में शायद थोड़ा इधर के ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपका जो गांव है नरहरी, वहां पे अभी भी पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी आता नहीं है, बिजली आती नहीं है, आपके इस ओलंपिक मेडल से कुछ बदलाव आएंगे ऐसी एक बेसिक सी चीजों में के लिए? बिल्कुल, देखो हम भी उम्मीद कर सकते हैं इस बात की, तो क्योंकि वो उस दिन जो मेरा प्रोग्राम था गांव में, तो जो हरियाणा के सीएम है तो मनोहर लाल जी वो भी आए थे, तो उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की थी कि हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप जो भी आपकी कमी है वो आप लिख के दो, तो उस पर ज्यादा विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ये भी खत्म हो जाएगी। रवि भाई गुड इवनिंग, आप हमें बता सकते हैं अपने बचपन के बारे में, और आप ट्रेन करते थे महाबली सतपाल के अंडर, तो जो सुशील कुमार के भी गुरु रहे? बिल्कुल जी, गांव से स्टार्टिंग थी मेरी, पहले तो सबसे पहले जो ट्रेनर है सब सबके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वही आपको एक लाइन देते हैं कि आप किस लाइन पे जा हुए और आप कहाँ से, क्योंकि ना 2-10-11 साल का क्या बच्चा, तो उसको तो बस यही होता है कि जो बाप बोलोगे पेरेंट्स बोलेंगे तो वही करेगा, तो सबसे पहले तो उनकी शुरुआत थी, तो गांव में लेके गए छोटे से अखाड़े में,
जो हमारे गुरु जी हंसराज जी, उनके पास मैं थोड़े वो दिन के लिए मैं वहां गया, तो फिर वो खुद मेरे को जो दिल्ली वहा वो भी वही के स्टूडेंट रहे स्टेडियम के, महावीर सतपाल जी के, तो वो भी वो मेरे को फिर वही पे ले आए दिल्ली। आप देखो, एक बड़ा मन चाहिए आपको, एक बड़ा खिलाड़ी बनना है या आप कुछ भी बड़ा करना, तो आपको बड़े बड़े खिलाड़ियों से सीखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से वे ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके से वे रहते हैं, क्या वे करते हैं। तो हर का अपना अपना रोल रहा है, सबसे पहले पेरेंट्स का है, फिर हमसरा जो हमारे गुरु जी स्टार्टिंग में वहाँ का है, फिर सतपाल जी का है, और जो फ्रेंड्स है फिर उनके बाद उनका है, तो सबका अपने अपने टाइम पे अपना अपना बहुत ज्यादा रोल रहा है। तो इसमें एक का किसी का कोई वो नहीं है कि वो, इसमें बहुत सबका मिलकर योगदान होता है। रवि जी, सुशील जी आपके स्पेशल मेंटर रहे हैं, आप कितने शॉक थे उनके वो न्यूज़ से? क्या आपने उनसे बात किया है? उसके बाद आपने अपना मेडल दिखाया उनको, कुछ डिस्कशन हुआ उनके साथ में? देखो, काफी हमें भी दुख हुआ इस चीज का, और मैं भी उस टाइम नहीं था, वो एक काफी बड़ी दुर्घटना थी, तो मेरी बात तो उनसे नहीं हुई है, पर मैंने कुछ न्यूज देखी थी, तो उनमें उनका काफी रोल था कि वो कह रहे थे कि शायद हम एक साथ होते तो देश के लिए गोल्ड जरूर जीतते। वो थोड़ा एक हादसा था, वो हो गया, हम मेहनत करते वो थोड़ी ज्यादा, तो देश के लिए गोल्ड भी जीतते हैं। किसी भी एथलीट्स के लिए, पर्टिकुलरली रेसलर्स के लिए, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है कि जब रिंग में जब खेलते हैं, मैट पे स्पेक्टेटर्स का, सपोर्टर्स का जो सपोर्ट मिलता है, वो आपने टोक्यो में कितना मिस किया और वो कितना टफ था, क्योंकि वहां पे आपके सामने कोई स्पेक्टेटर्स नहीं था। बिल्कुल जी, देखो बहुत अच्छा होता है जब एक आपको बाहर से चीयर करते हैं लोग, और इस तरीके से होता, पर देखो अभी काफी दिन से ये बंद था, सब कुछ बंद था। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप एक गेम्स टोक्यो वो तो गए, वो तो खेल लिए, नहीं तो वो काफी टाइम से तो ऐसा लग रहा है शायद ये होंगे या नहीं होंगे, तो इससे ज्यादा तो ये होता। तो फिर टूर्नामेंट तो आप लगातार अब खेल रहे थे, तो उनमें भी अब यही आदत हो गई थी कि क्राउड नहीं भी है तो भी खेल लेंगे, और वो सबके लिए सेम होता, मेरे लिए सबसे अलग नहीं था, तो काफी अच्छा लगा। और अब तो हर चीज की एडजस्ट करने की आदत है, और आप इतना बड़ा अगर मंच पे अगर आप खेलोगे, इतना बड़ा मंच है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच, तो आपको हर तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। मेरा टारगेट ये था कि ओलंपिक गेम्स हो जाए, नहीं तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बिना क्राउड के हो या कोई भी प्रोटोकॉल करना पड़े हमें, पर हम बस मन में यही था कि होने जो सबसे जरूरी है। टोक्यो में मेडल जीता है आपने, ओलंपिक में लोगों के उम्मीदें भी बढ़ी है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है, तो नेचुरली है कि पेरिस ओलंपिक्स में आपसे मेडल की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, तो इसके लिए आप कैसे देखते हो, ये कैसा टास्क रहेगा और उसके लिए आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? देखो जी, पहले भी हमने कभी इस चीज में कभी गौर नहीं किया कि आप इतने प्रेशर होता है या क्या होता है, तो बस हम नॉर्मल रहते हैं और कोशिश करते हैं जितना बेस्ट देने की कोशिश करें, और लोगों की देखो ये उम्मीदें होती हैं, ये प्यार होता है क्योंकि ये हमसे लगाई है उन्होंने, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि उनका मेरा जो प्यार है, तो आप ये सोचो कि मैं गोल्ड जीतूँ, और एक अलग अंदाज में जीतूँ सबसे, तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे देश के लिए जरूर गोल्ड जीते। We'll move on to our participants now. We have in our list first Ronnie D'Souza. Ronnie is a restaurateur from Malad in Mumbai and a sports enthusiast. Ronnie, you ask the question. नमस्ते रवि भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते. ये हमारे एक ख्वाब था आपको देखना और आज मिड डे के थ्रू आपको दिखने मिल रहा है. हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, आपके वजह से हमारा सर बहुत गर्व से चलता है थैंक पूरा देश में. यू शुक्रिया जी. रवि भाई, ये कहना चाहते थे कि ये जो कोविड का टाइम था, तो आपको प्रैक्टिस करने आसान हुआ था? तभी कोविड था 1 साल पहले, फिर गेम्स हुआ था, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाए? देखो, सबसे जरूरी था कि ये बस गेम में मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस तो हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि जो सब जब सब कुछ बंद था तो हम घर पे नहीं गए, अपना जो चक्रा स्टेडियम था तो उसी में हम 15-20 बच्चे थे जो एक परमिशन ले लीजिए अलाउड हो गया था, तो बस यही था कि एक टारगेट था कि शायद होगा गेम्स, अगर होगा तो परफॉर्म करना, अगर नहीं होगा तो जो आगे टाइम आगे जो टूर्नामेंट होंगे तो उनके लिए तैयारी हो जाएगी, तो बस उसी टाइम ये मन में रखते थे कि कुछ अच्छा करना है, अपनी तरफ से पूरा करना है, और जो ये कोविड का टाइम चला है इसमें वो सब जो ठीक हो जाएगा, सब मालिक की मर्जी से, मन में यही था कि आप अपनी तरफ से पूरी करो और कंटिन्यू किया। जब भी पूरा लॉकडाउन था, सब सब कुछ रेस्ट पे था, तो हमने अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल बीच में नहीं रोकी, तो कंटिन्यू हमने प्रैक्टिस करी। और रोहित भाई, ऐसा था कि ये जो रेसलिंग है वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो आपने इतना मेहनत किया था, आपको लगा कि आप फाइट पे जा रहे हो, बाउट पे जा रहे हो, कभी आपको कोविड हो उसके वजह से तो आपका डिस्क्वालिफाई हो सकता है, मेडल चला जा सकता है, कभी आप नर्वस हो इसके बारे में? तो जी वो तो ना एक समय है, बिल्कुल कई कई बार मन में ना सुथरे के विचार आते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि शायद पहले भी तो ये कई ओलंपिक ही ना हो, फिर अगर हो भी गया तो कई वहां फिर जाने के बाद कोविड में फंस जाए, तो बहुत सारे मन में विचार आते थे, पर
पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, जो आपके फ्रेंड हैं तो वे काफी इस तरीके से भी समझाते थे कि भाई देखो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते उसके में चिंता ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अपनी तरफ से आप पूरा दो, उसके बाद जो सब होगा वो मालिक पे छोड़ दो। तो इस तरीके से समझा लेते थे एक दूसरे अपने मन को, या फिर आपस में एक दूसरे से बात बात करके। थैंक यू, शुक्रिया भाई भाई। वी हैव अमित गडकरी। अमित इज अ ह्यूज स्पोर्ट्स बफ एंड हैज फॉलोड द ओलंपिक्स वेरी क्लोजली। अमित, योर क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते रवि भाई, बहुत खुशी हो रही है आप आपके साथ बात करते हुए। और जैसे रॉनी ने बताया, जब जब हम ओलंपिक्स फॉलो करते हैं और आपके आपकी कोशिश पहली तो, और दूसरी तो उसके बाद जो सफलता मिलती है वो देखने के बाद बहुत ही गर्व महसूस होता है। सो थैंक यू जो आप देश के लिए कर रहे हैं। रवि भाई, मेरा पहला सवाल ऐसा है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो, काफी लोग जैसे जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, वो बोलते हो है कि 99% मेंटल गेम है, 1% बाकी सब चीज है। तो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग तो फर्स्ट क्लास रही होगी, आप जो मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हो, कैसे करते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो देखो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं काफी उनकी वीडियो भी देखता हूँ, और ज्यादा नहीं पर मैंने बहुत ज्यादा उसके बारे में काफी उनके बारे में पढ़ा। वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और वो एक बात सच भी बोलते हैं इस बात की कि मेंटल गेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि फिजिकल तो आप देखो फिट हो सकते हो, फिजिकल तो सभी अपनी तरफ से, कोई ऐसा नहीं होगा कि अपनी तरफ से कसर छोड़ता होगा, प्रैक्टिस की मेहनत की सब अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, पर आप अगर मेंटली स्ट्रोंग हो तो शायद आप मैच पे या अपने अपने फील्ड में कहीं पे भी तो आप बहुत अच्छा करोगे। तकरीबन 2-3 साल से मैं एक मोटिवेटर स्पीकर है, तो उनसे भी काफी जुड़ा हूँ, तो उन्होंने काफी समझाया मेरे को कि जितना भी हो सकता है 100% देना है, और सीखते रहना हर चीज से चाहे आप कहीं पे भी हो। तो उन्होंने काफी चीजें मेरे को सिखाई है, और काफी मैं उनसे काफी प्रभावित भी हुआ हूँ, और काफी चीजें मैंने नई नई सीखी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम पॉजिटिव रहने की, जो भी होता है मैं ये सोचता हूँ कि शायद जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है, और एक पॉजिटिव है ये, चाहे उसमें कई बार हम में लूज भी हो जाते हैं, ये नहीं कि हर बार हम जीतते हैं, और जो भी हम गलती हुई है तो उनसे और ज्यादा सीखे हैं इस तरीके से। पर आपको ये सबसे जरूरी है कि आप अगर आप मेंटल स्ट्रोंग हो तो आप हर चीज को एडजस्ट कर लोगे अपने तरीके से। अभी ओलंपिक्स के बाद आप सब लोग वापस आ रहे हैं और फेलिसिटेशंस की तो बौछार हो गई है हर दिन। आई एम श्योर आपके 2-3-4 फेलिसिटेशंस तो यहाँ वहां हो रहेंगे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ क्या होता है कि ओलंपिक्स के बाद 15-20 दिन सब याद रखते हैं आपको, फेलिसिटेट करते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये फेलिसिटेशन जो होता है उसे आपके प्रेपरेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं? देखो मेरी भी आदत रही थी इतनी करने, पर अब तो कई बार देखो ऐसी जगह से आ जाती है कि आप मना भी नहीं कर सकते, और तो काफी मुश्किल होता है, और पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि ना अब की बार काफी लोग काफी चीयर कर रहे थे ओलंपिक गेम्स को भी। आपने पहली बार इतना देखा होगा कि इतना लोग इतना प्यार दिया सबको, तो शायद अब ये वो पहले वाली बात नहीं है, और अब पहले से हम लोग काफी अच्छा हो रहा है, और आगे जो गेम्स होंगे तो उनपे भी सबका फोकस रहता है। We'll move on to our two young wrestlers now. We'll begin with Pradyuman Yadav. He is a under 18 state champion. Pradyuman, आपके सवाल पूछेंगे रवि भाई को। जय हिंद रवि भाई। जय हिंद। आप इतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आप अपने डाइट के बारे में बताइए, एक दिन में आप कितनी डाइट लेते हो, क्या क्या करते हो, आप क्या खाते हो? भाई समय के साथ हर चीज चेंज हो जाती है, तो डाइट भी समय के साथ चेंज हो जाती है। कि आप जब टूर्नामेंट आता है आपको कम वेट में लड़ना है या वेट कम करना है, तो उस टाइम आपका फैट बिल्कुल जीरो वाले पे आ जाता है हमारा, और नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे हम सुबह शाम तो घर का सबसे ज्यादा घर का दूध दही मक्खन है ये, तो पिताजी घर से आते ही हैं, मैं तकरीबन यहाँ पे दिल्ली हूँ 2007 से, तो पिताजी कंटिन्यू दिल्ली आते हैं और घर से दूध दही मक्खन ये लेके आते हैं, ये खाते हैं। पर अगर जब आपका टूर्नामेंट आ जाता है, जब इसका कोई भी टूर्नामेंट आता है तो आपको वेट कम करना पड़ता है, तो उस टाइम ना आपको मीठे से तो लगभग 15-20 दिन महीना तक मैं कंटिन्यू दूध ही रहता हूँ, क्योंकि उसमें वेट कम करने में काफी परेशानी आती है। अगर आप खाओगे थोड़ा भी मीठा खाओगे तो काफी रिकवरी ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो अपना समय समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे आप खाली टाइम में होते हो, जैसे तो आप मतलब मूवी भी देखना पसंद करते हैं आप, और कोई आपका पसंदीदा अभिनेता कोई? बहुत कम भाई, बहुत कम मूवी देखना पसंद करता हूँ मैं, पर कभी थोड़ा बहुत मिल जाता तो कभी कभी देख लेते हैं, नहीं तो तकरीबन 1-1.5 साल से तो मैं बिल्कुल दूर था, सोशल मीडिया से ही मैं दूर था। अगर मैं कुछ देखता था तो एक खाली बाउट बाउट से अलग कुछ नहीं था, तो सारी चीज बंद थी, व्हाट्सएप थोड़ी चालू थी वो भी कुछ काम के लिए, और तो कंटिन्यू बंद थी। उससे पहले कभी कभी थोड़ी बहुत कभी कभी मूवी देख लेते वो ही फोन पर। रवि भाई, आपको अमिताभ बच्चन पसंद नहीं है? ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ना इतनी मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है,
कभी कभी अच्छी आती है मूवी तो देख लेते हैं तो ठीक है, पर इतना पसंद वाली बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द यंगेस्ट ऑफ दिस टीम ओम प्रकाश पांडे अंडर 17 स्टेट चैंपियन। ओम प्रकाश अपना सवाल पूछिए। भैया मेरा ये सवाल है, जब आप टोक्यो ओलंपिक 2021 का जीते थे 2020 का, तो आप जब वहां से आए थे तो आपको बहुत सारे कॉमर्शियल और कैमरों के सामने जाना पड़ता था, तो वो कैसा फील होता था, मतलब घबराहट होती थी कि नहीं, क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम था ना? भाई जरूर घबराहट तो होती थी, जब तो शुरुआत में तो ऐसा लगता था शायद ये जो ये हो रहा है ये शायद कुश्ती लड़ने से भी मुश्किल है ये काम, पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ दिन बाद काफी नॉर्मल लगने लग गया था और इसकी फिर आदत भी पड़ गई थी। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लगता था कि यस ये तो गलत ऐसा हो रहा है इसमें, तो पता नहीं कुछ अगर शायद गलत लेके गया मुझे तो कुछ भी हो भी सकता है, क्योंकि कई बार हो सकता है मुझे कुछ निकल भी जाए ऐसा हो जाता कई बार, तो उस टाइम काफी लगता था, पर उसके बाद अब तो हर चीज नॉर्मल हो चुकी है और हर चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। आपका जो अभी जो नेक्स्ट मैच रहेगा मेजर नेक्स्ट मैच, तो उसकी तैयारी आपकी कैसी चालू है? बिल्कुल भाई चालू हो गई है, और मैं टोक्यो से डायरेक्ट आया था तो मैं अपने सेंटर में ही आया था, मैं घर पे नहीं था, और अभी मैं सेंटर में हूँ तकरीबन एक दो दिन के लिए, मैं एक दिन के लिए घर पे गया था, तो मैं कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम है ये भी सुबह सुबह प्रैक्टिस करके ही निकलता हूँ मैं, कि पहले प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी कुछ होते हैं तो उनको एडजस्ट कर लेते हैं, तो तैयारी कर स्टार्ट हो गई है और वो अपने समय के साथ सारी चीज चल रही है, और अगले साल जो गेम्स हैं सबसे ज्यादा फोकस उन पे रहेगा। थैंक यू ओम प्रकाश। रवि जी आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस किया, नेक्स्ट टूर्नामेंट बड़ा कौन सा है आपके कैलेंडर में? सर सबसे जो मेन टूर्नामेंट तो 22 में है, जो एशियन गेम्स है और कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो उन पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, और टूर्नामेंट तो खेलते रहेंगे पर सबसे जो मेन फोकस होगा तो उन पे, जो गेम्स हैं तो उन पे होगा। आपका एक चैरिटी बॉडी से आपने कनेक्शन लिया है जहाँ पे शिक्षा ना रोके कैंपेन, स्माइल फाउंडेशन, जरा बताएंगे आप हमें उनके बारे में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में? ये बिल्कुल जी बहुत अच्छा लगा, पहले तो मैं स्माइल फाउंडेशन का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो देश के लिए कार्य कर रही है, सब जिंदगी में सभी एक बहुत सारे खिलाड़ी या कई मिडिल तो काफी मिडिल क्लास से आते हैं जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो जो जिसको भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत अगर हम भी उस माहौल से गुजरे हैं तो शायद उन बच्चों को वहां से ना गुजरना पड़े और वो और भी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और देश के लिए कुछ ना कुछ अपने अपने फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बच्चे से मिल चुके हैं कि मिलने वाले हैं क्या प्लान क्या है? हाँ जी मैं मिलके आया था कुछ बच्चों से, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कैंपेन था तो वहाँ पे मेरे को बुलाया था, तो मैं कुछ बच्चों से मिलके भी आया था और कुछ मीडिया थी वहाँ पे और कुछ उनकी वीडियो के माध्यम से मैंने बोला भी था कि आप भी इससे जुड़ो और इनकी मदद करो, क्योंकि आप एक दूसरे से हम जुड़ेंगे तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उन बच्चों में रेसलिंग कितना कॉमन है, मतलब क्रिकेट तो हम जानते हैं बच्चों में कॉमन है लेकिन रेसलिंग कितना पॉपुलर है उन बच्चों में? देखो जी रेसलिंग क्या कोई भी गेम है, अपना अपना जो उनका मन होगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप जबरदस्ती रेसलिंग करो, जिस भी गेम में आपका मन हो और नहीं भी मन हो तो सुबह शाम आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट जरूर करें, क्योंकि ना उससे आप फिट रहोगे और खुश रहोगे तो आप जो भी करोगे उसको काफी अच्छे मन से कर पाओगे। रवि भाई ये पीछे आपने फ्लैग लगाया हुआ है आपके वॉल पे, इंडियन फ्लैग, इसका क्या क्या रीजन है? देखो जी अच्छा लगता है, एक देश का फ्लैग है तो काफी मन में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये है तो हम हैं तो काफी अच्छा लगता है, और इस तरीके से लगाया कोई इसका कोई खास रीजन नहीं है, बस यही है अच्छा लगता है इसलिए। रवि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको फेलिसिटेशन हुआ था दिल्ली में, मोदी साहब ने फेलिसिट किया था आपको, तो आपको क्या बोला मोदी साहब ने, क्या बताया था आपको, क्या बात की आपसे? वो मिले थे तो उन्होंने बस यही बोला था कि देखो आप तुमने मेडल जीते पर आप खुश नहीं थे, तो आपको खुश होना चाहिए, आपने देश के लिए इतना अच्छा किया है और अब खुश हो जाओ और आप आगे मेहनत करो, अगली बार हम गोल्ड जीतेंगे और फिर हम एक साथ प्रदर्शन बनाएंगे। बहुत कम लोगों को वो ओलंपिक पोडियम पे खड़ा रहने का मौका मिलता है, हम जानना चाहते हैं कि आप उस वक्त क्या फीलिंग होता है मन में, वो पोडियम पर क्या आंसू निकलते हैं, खुशी होती है, पेरेंट्स की याद आती है, मतलब क्या इमोशन होता है उस चंद पलों के लिए? वो एक ऐसा क्षण होता है, देखो उसमें तो हम भी नहीं बता सकते वो क्या मोमेंट होता है, क्योंकि एक देश के लिए अगर आपकी वजह से एक देश का झंडा फ्लैग है वो ऊपर जाता है, और तो फिर ये मानो कि वो एक फीलिंग ऐसी होती है वो बता भी नहीं सकते, उसको बयां भी नहीं कर सकते, इतनी खुशी का मौका होता है उस टाइम, तो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, यही रहता कि देखो देश का झंडा और हमारी वजह से ऊपर जा रहा है, तो उस मोमेंट को तो बयां भी नहीं कर सकते। थैंक यू रवि भाई वंस अगेन, ऑल द बेस्ट and hope you can bring us the gold medal next time in Paris. Thank you. Thanks, guys. Subscribe to Midday India.
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.